दोस्तों नमस्कार। खैबर बांगर में उन्नाव से जहां दो दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन अप्सरा पैलेस के सामने किया गया। युवा समाजसेवी मुफीस अहमद वारसी के द्वारा अप्सरा पैलेस लखनऊ रोड बांगरमऊ में डॉक्टर जाकिर के आवास पर बड़े स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर द्वारा निम्न रोगों का इलाज किया गया, जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, शुगर रोग, नेत्र रोग, कफ, लीवर, पाइल्स, गठिया बाई, साटिका, लकवा, थायराइड तथा नसों संबंधित पैरों का दर्द व पैरों का काम न करना, एनीमिया, मोटापा, अस्थमा, खांसी, कमजोरी का इलाज। फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा 7 सैकड़ा से अधिक रोगियों का इलाज किया गया, जिसमें कानपुर से आए डॉक्टर नवनीत प्रजापति, डॉक्टर देवी सहाय सचान, डॉक्टर क्षमा साहू, डॉक्टर प्रमोद यादव द्वारा मरीजों का उचित इलाज, जांच एवं परामर्श दिया गया। इस मौके पर समाजसेवी मुफीस अहमद ने बताया कि गरीबों की मदद करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा कि नगर व आसपास के हजारों लोगों को उचित इलाज न मिल पाने के कारण बहुत परेशानी होती है। इसी को देखते हुए उन्होंने बांगरमऊ नगर में कई बार इस तरह के कैंपों का आयोजन किया है, जिससे कि गरीब जनता को राहत मिल सके। बांगरमऊ उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़ सच की तह तक। डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। वहीं दूसरी तरफ एक विद्यालय में बच्चों को फीस न जमा होने पर परीक्षा छुड़वाने का मामला आया सामने। बच्चों को खड़ा किया गया तपती धूप में बाहर। उपजिलाधिकारी बांगरमऊ उदित नारायण सिंगर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय का निरीक्षण किया और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को मानक विहीन चल रहे विद्यालय पर उचित कार्यवाही करने के दिए निर्देश। शिक्षा के नाम पर विद्यालय प्रबंधक अभिभावकों से करते हैं खुली लूट। अपने ही विद्यालय के जूते, मोजे, टाई बेल्ट, कॉपी किताबें, टी शर्ट, लोअर आदि देते हैं और करते हैं मनमानी लूट, करते हैं मनमानी वसूली। अभिभावकों को विद्यालय से ही यह सब लेने के लिए करते हैं मजबूर। मानक विहीन विद्यालयों पर टेढ़ी हुई उपजिलाधिकारी बांगरमऊ की नज़र। मामले में उपजिलाधिकारी बांगरमऊ ने प्रबंधक व प्रधानाचार्य से की गहनता से पूछताछ। प्रधानाचार्य अग्निशमन विभाग से जारी NOC भी नहीं दिखा पाए। विद्यालय में गंदगी का अंबार। उपजिलाधिकारी बांगरमऊ उदित नारायण सेंगर के द्वारा की गई सख्त कार्यवाही से आसपास के विद्यालय प्रबंधकों में भी मची खलबली। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बच्ची द्वारा कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन ने फीस ना जमा होने की वजह से स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया था। तो उसकी सत्ता परखने के लिए हमने अभी विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय द्वारा प्राइमा फेसी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो इनकी मान्यता में होती हैं, जिनका इनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई, जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। और फीस ना जमा होने की वजह से ये संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया बच्ची को, तो उसके लिए भी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उसको इसका स्थायीकरण आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कितने दिन की होती है स्थायी मान्यता? आप बिना मान्यता के चला रहे हैं? मान्यता नहीं चला, अस्थाई मान्यता है ना? अस्थाई तो गवर्नमेंट देती है। डीआई साहब आए थे जी, अभी जय साहब देख गए, ये भवन का है सर। हाँ बी एस एस साहब, हाँ नमस्कार। ये बताइए, ये जैसे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको जो मान्यता आप लोग देते हैं अस्थाई मान्यता जैसे दी है 2004 में, तो इनका स्थायीकरण भी तो होता होगा मान्यता ऑटोमेटिकली? अच्छा, क्या क्या देखते हैं स्थाई मान्यता में? क्या क्या देखते हैं? ठीक है। वहीं दूसरी तरफ SDM उदय नारायण सिंगर ने आज राजस्व व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गंगाबाड़ क्षेत्र का किया दौरा। क्षेत्र में गंगा नदी का जल स्तर बीते सोमवार को स्थिर रहा, लेकिन आज जल स्तर घटना शुरू हो गया, जिसे तहसील प्रशासन ने राहत की सांस ली। कटरी क्षेत्र के 6 गाँव अभी भी टापू बने हुए हैं। दुआब क्षेत्र में आबाद ग्रामीणों का ब्लॉक मुख्यालय के लिए आवागमन अभी भी नाव के जरिए ही हो रहा है। ग्राम
कटरी गदनपुर आहार के प्रधान जितेंद्र कुमार के अनुसार बीते सोमवार को गंगा नदी का जल स्तर स्थिर रहा, लेकिन आज बीती रात से जलस्तर में घटोतरी शुरू हुई है। अब तक गंगा नदी का जलस्तर करीब 10 सेंटीमीटर नीचे जा चुका है। चूंकि खेतों में अरसे तक जलभराव बरकरार रहने से फसलें सड़कर नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए बाढ़ से फसलों के नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। कटरी दोआब में बसे गांव मल्लानपुरवा, कुशलपुरवा, हरिगंज, दुल्लापुरवा, धन्नापुरवा और नयापुरवा अभी भी टापू बने हुए हैं। गंगा नदी के दो धाराओं के बीच बसे मजरों के लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए अभी भी नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। फिर भी ग्रामीणों को आशा है कि यदि इसी तरह गंगा नदी का जल स्तर घटता रहा तो मात्र एक हफ्ते के अंदर ही ग्रामीणों और जानवरों के आवागमन की राहत मिल सकती है। बांगरमऊ उन्नाव से संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। और वहीं पर प्रस्ताव केंद्र भी बनवा दिया गया, ठीक है। अब जैसे रात में मान लीजिए कोई समस्या हुई, पानी भरा हुआ, रात में कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो मल्हनपुरवा के पंचायत भवन में आज शाम तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। वहाँ प्रॉपर डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टरों की ड्यूटी है। आप लोगों को करना केवल इतना है कि अपने ग्राम प्रधान को, अपने लेखपाल को या अपने सचिव को, या हमारा नंबर है सबके पास है सी यूजी, हमारे नंबर पे, तहसीलदार के नंबर पे, या किसी का भी नंबर पे अगर आप सूचित कर दें, वहाँ पे डॉक्टर वैसे भी तत्काल रहते हैं, लेकिन प्रसव के टाइम पे जो एडिशनल टीम है वो एडिशनल टीम भी पहुँच जाए, ठीक है। तो किसी को नाव पे बैठ के या मोटरसाइकिल पे बैठ के या ये करके या ट्रैक्टर पे बैठ के उधर से पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये तभी ध्यान रखिएगा जब ये आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।